बिफोर आई स्टार्ट, मैं एक चीज़ आप लोगों से बोलना चाहूँगा। एक ऐसे सेक्शन को हम लोग डील कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके बारे में आपको इनिशिएशन पहले से मिला हुआ है। सी वन थिंग, जब मैंने कम्प्रिहेंशन का अप्रोच दिया या क्लोजर का अप्रोच दिया, तो वो शायद आपके लिए नया होगा, गिवन द फैक्ट कि हम लोगों ने कभी उतने डिटेल में एनालाइज नहीं किया था आज के पहले। बट अगर मैं बात ग्रामर की कर रहा हूँ, तो ये चीज़ बहुत क्लियर है कि ये चीज़ें हमारी पढ़ी हुई हैं, और उन चीज़ों के बारे में मैं रेफरेंस दूंगा, तो आपका अपना नॉलेज आएगा, आपका अपना नॉलेज वहाँ पे इन्वॉल्व होगा। बट बिफोर स्टार्टिंग, इसलिए अभी आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए होगा, बिकॉज यू हैव टू लिसन एंड थिंक। तुम्हें सुनना है और सोचने की कोशिश करनी है। सी वन थिंग, द मोमेंट आई स्टार्ट स्टडिंग ग्रामर, और द मोमेंट द वे वी वर इनिशिएटेड इनटू ग्रामर, जिस तरह से हमको ग्रामर में इनिशिएट किया गया, वी स्टार्टेड बीइंग गिवन द डेफिनेशंस ऑफ समथिंग। नाउन जैसे हम लोगों ने टेकअप किया, हम लोगों को सीधा एक डेफिनेशन मिला, द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस ऑन थिंग, फैक्ट इज देयर। एंड सम पीपल जस्ट फॉर द सेक ऑफ बींग डिफरेंट फ्रॉम द कम्युनिटी, कम्युनिटी से अलग होने के चलते, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। और उसके बाद एकदम शॉकिंग अगर मेरे को देना है, तो नाउन इज एवरीथिंग। आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। अब अगर मैं बोला कि नाउन इज एवरीथिंग, हाउ वुड वी जस्टिफाई इट इन अ सेंटेंस? तुमको ग्रामर क्या बात करने के लिए मिलता है, क्वेश्चन ये उठता है, या उस ग्रामर का यूज करके तुम्हें शुद्ध लिखना है, तुम्हें अपने कॉम्पिटेटिव ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में ग्रामर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बनाने हैं। अब अगर मैं बोलूं कि नाउन इज एवरीथिंग, अगर मैंने सिंपल ऐसा लिया, तो इसका मतलब कि अगर मैं लिखूं राम इज अ गुड बॉय, सो एवरी वर्ड इज नाउन ओवर हियर, राम भी नाउन है, एवरीथिंग इज भी है, ए भी है, गुड भी है, बॉय भी है। अगर मैंने डेफिनेशन लिया और उसका मैं लॉजिक देखना चाहूंगा, तो एवरीथिंग का मतलब क्या? हर चीज। तो यहां पे जितनी चीजें हैं वो सब नाउन हो जाएंगी। एक लॉजिकल मैं बात आपसे पूछ रहा हूं, व्हाई डू वी स्टडी नाउन, क्वेश्चन ये उठता है। मैं सारे ग्रामर के सेक्शंस का बस एक चीज जानना चाहूंगा कि हम लोग उसको पढ़ क्यों रहे हैं, उसके बारे में बात करने के लिए या उसको हाउ टू यूज सीखने के लिए। और सर ये आपके पास जवाब आराम से आ जाएगा कि हाउ टू यूज सीखना है। अब अगर एक बात बताओ, लेट्स टेक अ सेंटेंस, मैं सेंटेंसेज में वैसे सेंटेंस लूंगा जो आपको बचपन से मिला हुआ है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन कौन कौन सा होता है मुझे नहीं मतलब है। कैन यू डिफाइन पार्ट्स ऑफ स्पीच? आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन ऑफ द वर्ड्स इन अ सेंटेंस, सेंटेंस में वर्ड के फंक्शन के आधार पे। ध्यान देना, आप जो पढ़ते हो उसको जरा अपने कान तक आने देना, बिकॉज तुम्हारा कान तुम्हारे मुंह के सबसे नजदीक होता है। वर्ड्स को उनके फंक्शन के आधार पे 8 भागों में बांटा जाता है, और उन 8 भागों को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। यू नो दिस, उनके फंक्शन के आधार पे। डन। अब मैं आपको यहां पे गो लिख रहे, मैं अगर लिखूं तो तुमने इसका फंक्शन डिसाइड किया? क्या तुमको इसका फंक्शन पता चल रहा है कि तुमने इसको भर ले लिया? मेरे को बताइए आप, मेरे को उस सेंटेंस में अगर मैं इसको फंक्शन कब इसका, जब इससे कोई काम करवाऊंगा तब ना। एक बात समझना, मैं इससे कोई फंक्शन करवाऊंगा तब तो इसका फंक्शन पता चलेगा, लेकिन हमें बताया गया कि बस गो दिखाई पड़े, नाम कुछ और लो और इसको ले लो क्रिया। ये क्रिया है, ठीक है, मान लिया मैंने। बट अगर मैं बोलूं, क्वेश्चन बोलूं, You should
try to solve this question at one go. मैं एक सेंटेंस दिया, अब अपने फंक्शन के बेस पे जरा तुम बताओ कि इज इट अ वर्ब, क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये वर्ब है? अगर ये वर्ब होता तो एक बात बताइए आप, इसका सब्जेक्ट कहां गया? आपने इस सेंटेंस में इसको फंक्शनल किया, लेट मी टेल यू, फंक्शनल किया, और जब फंक्शन किया तो पता चला कि वन यहां पे वन के साथ तो कोई नाउन आएगा, इसका फंक्शन बता रहा है कि ये नाउन है, हम लोगों को अकेले बता दिया गया दिखाई पड़ रहा है ये वर्ब है, क्यों? ये चीजें नहीं छूट रही है ना, अगर ये क्रिया है तो क्रिया जिसको वर्ब बोलते हैं, तो मैं इसको वर्ब क्यों नहीं मान रहा हूं, मैं नाउन क्यों मान रहा हूं, इसको वर्ब क्यों नहीं मान रहा हूं? सर मेरी बात को काटने का मन करे काटिए, यू आर क्वाइट फ्री। अभी यहां पे ये वर्ड नाउन है या वर्ब है? यहां पे ये वर्ड नाउन है या वर्ब है? आप जरा नाउन का एक डेफिनेशन दे दो जरा, नहीं बस अभी थोड़ा सा रुकते हैं, आप लोगों को पहले से पता हो, पता नहीं है या नहीं है नाउन, अब जरा डेफिनेशन, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस एंड थिंग, व्हाट, छोड़िए उसको, क्या है ये, आप इसको कैसे डिसाइड करोगे? और जिसको तुम वर्ब बोलते हो, इसका मतलब कि वर्ब का मतलब क्रिया होता है या नहीं होता है? अगर वर्ब का मतलब क्रिया होता है तो काम यहां भी हो रहा है, और यहां पे ये काम नहीं है। हाँ भाई, काम होगा तो दिखाई पड़ेगा होते हुए ना, तो काम तो यहां पे दिखाई पड़ेगा, और तुम इसको अगर वर्ब मान लेते हो, वर्ब है ना ये या नहीं है? अगर है तो ठीक है, आई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, भाई क्रिया है काहे नहीं है, क्यों नहीं है? अगर आपको बोल रहे हैं कि सॉल्व करना है, काम है, तो ठीक है, मैंने उसको निकाल लिया सामने। अब जरा लॉजिकली अपने दिमाग को खोल के बोलिए कि वर्ब का मतलब अगर क्रिया होता है तो शायद आपका लास्ट वाला सेंटेंस सही होगा, अगर लास्ट वाला सेंटेंस सही नहीं है तो मैं शायद आपको बता पा रहा हूं कि वर्ब का मतलब क्रिया नहीं होता है, नाउन का मतलब नाम या संज्ञा नहीं होता है। आई का इंग्लिश में, सॉरी, आई का हिंदी में इक्विवेलेंट क्या होता है? मैं ना, अभी समझोगे, बस तुम्हारे पास लॉजिक चाहिए, और तुम्हारे लॉजिक में अगर तुम्हारे लॉजिक, क्योंकि तुम्हारे लॉजिक कट रहे हैं, अब अगर तुम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो तो मेरी बात को काटो, आई वुड वेलकम, मैं वेलकम कर रहा हूं आपके बातों काटने के लिए। मैं तुमको पीटूंगा, आई शैल बीट यू, फाइन, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, माई फादर टोल्ड मी, अब आगे सेंटेंस सही है या नहीं है? अब इस मैं की, मैं का इंग्लिश क्या होगा? ऊपर वाले सेंटेंस में कॉमन एरर है क्या? हिंदी वाले सेंटेंस में आम त्रुटि है कॉमन एरर का? नहीं ना, तब नीचे वाले में जरा कॉमन एरर निकाला जाए। मैं का इंग्लिश यहां पे क्या होगा?
ही ना, क्योंकि ये मैं पिताजी के लिए आया था। और तुम का इंग्लिश क्या होगा? मी ना। और इस शैल का इंग्लिश क्या हो जाएगा? शुड या वुड, कुछ भी, शायद वुड बेटर रहेगा। अब एक और चीज रख कंक्लूजन निकालना, प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम होता है, क्योंकि ऊपर में हमने सर्वनाम लगाया था, आपका एकदम सही था, नीचे में प्रोनाउन लगाया, काटपीट के मैं के लिए आपने ही लगाया, तुम के लिए आपने मी लगाया। तो एक और लॉजिक क्लियर है कि प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम नहीं होता है। और अगर हमें इस स्टाइल से ग्रामर को इनिशिएट करके और वो 10 साल पढ़ाया गया है तो बर्बाद तो हो ही गया होगा ना, वो तो दो चार दिन की बात होती तो ठीक थी, लेकिन 10 साल तक प्रोग्राम चला है सर्वनाम संज्ञा क्रिया एंड पता नहीं प्रीपोजिशन की हिंदी तो आज तक मेरे को पता नहीं चली, तुम्हारे पास होगी? नहीं, वहां पे चुप। तो इसका मतलब कि अगर प्रीपोजिशन की हिंदी नहीं बनी है तो हिंदी का प्रीपोजिशन भी बना होगा। सुनना ध्यान से, अगर प्रीपोजिशन चैप्टर की हिंदी नहीं बन पाई है, और नहीं तो ऐसी बनी है जिसको कभी कभार खोजने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं, तो जिस चैप्टर की हिंदी हम इस्तेमाल नहीं करते तो उसके हिंदी का वो अंग्रेजी इक्विवेलेंट इस्तेमाल हो जाएगा क्या? मैं अभी एक सेंटेंस था, देयर इज नो वैकेंट रूम कैंपस, नेचुरल ना, इन द कैंपस, ओके ना, क्यों? क्योंकि हिंदी में मे लग रहा है और अंग्रेजी का रूल यह बोल रहा है कि यहां पे इन गलत है, यहां पे ऑन होगा, कॉमन एरर, क्योंकि प्रीपोजिशन की हिंदी आज तक नहीं बनी है। आपको सम अनइनिशिएटेड लोगों ने, जिनको खुद समझ नहीं थी, उन्होंने मे का मतलब इन, एट का मतलब पर, अब वो भी, अब तुम अपना कंटिन्यू कर लो, कुछ अनइनिशिएटेड लोगों ने हिंदी से जोड़ा। सर, आपको जब ग्रामर को पढ़ाना पढ़ना सीखना था या आपको किसी को सिखाना था तो उनको यह नहीं बताना था कि हिंदी से अंग्रेजी कहां मिल रहा है, हिंदी से इंग्लिश का ग्रामर कहां अलग हो रहा है, यह बताने की जरूरत थी, यह बताने की जरूरत थी। और उनका उन डाइवर्जेंस का, जहां पे वो अलग हो रहा है उसका ध्यान रखते हुए उसको बहुत सावधानी से हिंदी में जोड़ना चाहिए था, बट somebody started and the world follows, दुनिया फॉलो कर रही है। सुनो, कभी टेंस का मतलब काल। सर, enjoy yourself, but remember one thing. Enjoy yourself, but I'm remindful of one thing, that by this grammar you have got to do a lot of work. इस ग्रामर से आपको अपनी परीक्षा में, अपने करियर में बहुत सारा काम करना है। ये स्कूल वाला enjoyment नहीं है कि उससे करियर बनता, उसे सिर्फ सर्टिफिकेट मिला है। Now, काल। अब परेशानी ये है कि जैसे आपने उसको हिंदी में डाला ना, तो ये काल हिंदी में दो तरह का होता है। तो क्योंकि हिंदी में बोलूं कि उसका टेंस आ गया था तभी तो वो रोड पे अकेले खेल रहा था, काल, मैं हिंदी की बात कर रहा हूं। तो सर, जरा इसको समझाओ मेरे को थोड़ा सा कि इस काल का मतलब क्या, क्योंकि हिंदी में काल तो दो तीन टाइप का होता है, समय, ठीक है। अब थोड़ा सा आपने उसको, इसके हिंदी को नॉर्मलाइज किया, अब ठीक लग रहा है, क्योंकि इस काल का मतलब समय, एक्सेप्टेड नो? अब जरा ध्यान दीजिएगा, चैप्टर का नाम
सो हमारे चैप्टर के बुद्धिमान ग्रामेरियंस ने लिखा है, चैप्टर की अगर हिंदी की जाए, समय और समय. डन. और कुछ और प्रीपोस्टरस शॉकिंग टाइप की बात, समय और काल. ये तो बड़ा अच्छा है, ब्रेड और रोटी. भाई एक बार हिंदी बोल रहे हो और अंग्रेजी बोल रहे हो. अगर काल का मतलब समय होता है तो आप शायद सही पढ़े हो या गलत पढ़े हो, आज आपको जानने की जरूरत है. बिकॉज चैप्टर का नाम बता रहा है कि इसका मतलब समय नहीं होता है, क्योंकि समय का वर्ड उसके पहले लगा हुआ है. और अगर यह बेतुका है तो शायद ग्रामर की सारी किताबों में, सारे दुनिया की सारी किताबों में टाइम एंड टेंस लिखा हुआ है. इसका मतलब कि टेंस टाइम से अलग फैक्टर है, और बिना टाइम को पहले रखे हुए शायद आप टेंस नहीं पढ़ सकते हो. यह चैप्टर में इतना चीज इंप्लाइड है कि टेंस और टाइम दोनों अलग अलग चीजें हैं, और बिना टाइम को सामने रखे आप शायद टेंस नहीं पढ़ सकते हो. अब अगर मैं बोलूं कि टेंस का मतलब क्या होता है, यू डोंट हैव एनी आंसर. वॉइस, व्हाट इट इज, वाच्य. नहीं लग रहा आयुर्वेदिक दवाई का नाम? कभी यूज किए हो वाच्य? नहीं यूज किए हैं. हाँ, हमें पढ़ाना शुरू किया गया. वॉइस दो प्रकार का होता है, ठीक है? नहीं नहीं, मैं आपको सोचो, मैं भाई गलती से मैं भी उसी ट्रेडिशन में पढ़ा हूं, लेकिन शायद उसके बाद मेरे को सोचने की जरूरत महसूस हुई, जो कि आपको अब करना है. आप मेरे को बताओ कि ये चीज दो प्रकार का होता है, बिना ये बताए कि वो चीज होता क्या है. अब तो इसका मतलब पीएसएलवी चार प्रकार का होता है, ठीक है? कुछ ऐसी चीज है, दो चार लोगों को पता होगा जो पीएसएलवी चार प्रकार का होता है. सब बैठा हुआ जितना श्रद्धालु लोग है. अच्छा अच्छा, चार प्रकार का होता है. किसी को नहीं पूछने का मन कर रहा है ये पीएसएलवी होता क्या है. बस प्रकार पढ़ना शुरू कर दिया लोगों ने. चार प्रकार का होता है, इसने इन्होंने बोला और सामने वाला भी बैठा हुआ बिना कुछ सोचे हुए अनरिफ्लेक्टिव तरीके से, चार प्रकार का होता है, इट्स ओके. और एक्टिव से पैसिव में बदलना हो तो ये काम क्यों बदले हम. एसएससी के क्लासेज में, एसएससी के एग्जामिनेशन पेपर में कुछ क्वेश्चन आते हैं जहां पर इंस्ट्रक्शन क्लियर लिखा रहता है कि इस जो वाक्य मैं दे रहा हूं उसका एक्टिव या पैसिव में वॉइस बदलो. फाइन. बैंकिंग के बच्चों को आता है ये, तो क्यों पढ़े बैंकिंग का बच्चा? और तुम जो वॉइस पढ़ रहे हो वो सिर्फ चेंज करने के लिए ना, कि उससे कॉमन एरर चेंज करने के लिए. और लेट मी टेल यू कि अगर वॉइस का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो वर्ब के एरर्स तो आपसे नहीं बनेंगे. वॉइस वर्ब का बेस है, वर्ब का बेस है. तुम इसको नाउन माने थे ना. और मैं अभी पूछूं आपसे, वॉइस का डेफिनेशन दे सकते हो? वॉइस होता क्या है? नहीं, श्रद्धालु लोग हैं ना, चार प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, यही कराया गया है. आई एम नॉट सेइंग अभी तक क्या हुआ है, मैं अभी के बाद की बात कर रहा हूं. लिसन टू इट केयरफुली. तुम किसी भी स्ट्रीम में कोई भी चैप्टर पढ़ते हो, उसका जो हेडिंग होता है ना, वो तुम्हारे पूरे कवरेज को इंडिकेट कर देता है कि क्या तुम पढ़ने वाले हो. ये सुनो, तुम अभी मैथ्स का कोई भी चैप्टर उठा लो, थिंग्स आर क्लियर कि क्या मिलने वाला है. लेकिन यहां पर कुछ भी पढ़ो कोई मतलब नहीं है. नाउन पढ़ रहे हैं, भाई नाउन होता क्या है पहले परिचय तो हो. नाउन पांच प्रकार का होता है, पर्सन प्लेस एंड थिंग्स के नाम को नाउन कहते हैं. तो ये कौन है? वॉकिंग कुमार सिंह, वॉकिंग गंज, प्लेस, थिंग. आधा किलो वॉकिंग लेते हैं ना, क्या है ये? कुछ नहीं है, ये अपने फंक्शन के बेस पे नाउन बना है. ये सुनो, क्योंकि ये इस वर्ब का सब्जेक्ट है. क्लियर है?
तो इसका मतलब कि आपने जो कहा था वही एस्टैब्लिश करना है कि फंक्शन के बेस पे आपको वर्ड्स डिसाइड करने हैं कि वो नाउन है कि क्या है। वर्ड देखते मत सोचिए कि ये होता क्या है। कोई बद नहीं बता सकता है, दुनिया का कोई आदमी चाहे अंग्रेजी थोड़ा भी अगर पढ़ा हुआ है तो नहीं बता सकता कि ये है क्या। लेकिन हम लोग बिहार में, पक्का है हम लोग बिहार में अंग्रेजी में कम से कम 1000 साल आगे हैं दुनिया से। इसलिए तो 1947 से हमें एक ऐसा राज्य माना जाता है जिसकी अंग्रेजी कमजोर है हमारे बारे में। कारण दिखाई पड़ने लगता है जो शायद शेक्सपियर को भी नहीं दिखाई पड़ा होता कि क्या है, हमें दिखाई पड़ जाता है। सर उसके फंक्शन के बेस पे, और फंक्शन तब पता चलेगा जब उस वर्ड को सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाएगा। गेटिंग नाउ द थिंग इज देयर। अभी अगर मैं आपको एक और सेंटेंस दूं, अब सर अगर मैं बोलूं भर्व का अर्थ क्रिया नहीं होता है, प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम नहीं होता है, नाउन का मतलब संज्ञा नहीं होता है, तो शायद आप काटो या एक्सेप्ट करो। देखो आप, नहीं देखो अभी क्या रिएक्शन आएगा। नहीं आप जो बोल रहे हैं मे भी सही बोल रहे हैं लेकिन हम मानेंगे नहीं। समथिंग लाइक द लीडर्स लिसन, फंक्शन डिसाइड किया जाए, नॉट दैट। अभी एक 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 सेंटेंस, ये भर्व है ना भाई, उसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। इस भर्व का सब्जेक्ट भर्व है तो सब्जेक्ट होगा, एवरीवन सब्जेक्ट है, उसी के चलते ये इज लगा है। तब तो मैंगोज इज इटन बाय राम, सही होगा ना। तब तो आर नहीं करने की जरूरत है। अगर आपके हिसाब से एवरीवन यहां पे सब्जेक्ट है तो यहां पे भी राम सब्जेक्ट है, तो ये भर्व इज सही है ना, आर होगा। तो इसका मतलब इस सब्जेक्ट का मतलब कर्ता नहीं होता है। आर होगा या इज होगा सर? आर होगा, क्योंकि मैंने एक चैप्टर पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है, सब्जेक्ट भर्व एग्रीमेंट। जब भर्व अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एग्री करता है, पढ़े हो ना भाई, आपने आर किया तो सब्जेक्ट कौन हुआ? तो फिर एक मानोगे ना कि सब्जेक्ट का मतलब कर्ता नहीं होता है। ये सर नो, ठीक है। अब जरा मैं पूछूं इस सेंटेंस में कि सब्जेक्ट कौन है। अपने फंक्शन के बेस पे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि बींग प्लस भीतरी नाउन कैसे हो सकता है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना, क्योंकि वो उसको तो पढ़ाया गया है, दिखाया गया है भर्ब के तौर पे, और नाम ऊपर से बड़ा बड़ा पार्टिसिपल जेरंड, भाई अभी कंट्रोल करने की स्थिति में नहीं हो उन चीजों को, पहले नाउन तो पहचानो। इस इज का, इज एडमायर्ड का सब्जेक्ट कौन? तो ये नाउन हुआ ना, और इस नाउन का जरा डेफिनेशन जरा दीजिएगा, हो सकता है डेफिनेशन? यस और नो? कर मानना पड़ेगा क्योंकि ये एडवर्ब है।
गेटिंग, ये नाउन है, ये नाउन है, ये नाउन जानते हो क्यों है? बचपन से सेंटेंस मिला था इसीलिए, फंक्शन के बेस में नहीं, बचपन से मिला था। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ऐतिहासिक सेंटेंस है भाई। अगर 1940-50 साल से मिला तो इतिहास में नहीं चला गया वो, हाँ। लेकिन ये नहीं मिला है, और हमने जो अभी पढ़ा है उसके हिसाब से ये वर्ब होना चाहिए, जबकि फंक्शन के बेस पे नाउन है। और अब आपका डेफिनेशन बहुत क्लियर है कि फंक्शन के आधार पे शब्दों को 8 भागों में बांटा जाता है, हाँ। वो किस शक्ल में होगा, वो कौन से शक्ल में होगा, ये मत डिसाइड कीजिए। वो जो आपने शक्ल जो नॉर्मल आप बोलते जरूर हो कि फंक्शन के बेस पे पार्ट्स बीच में नाम, और जब फंक्शन के बेस पे डिसाइड करना शुरू होते हैं तो हिचकना शुरू करते हैं, ना ये वाला नहीं होगा, नाउन लग रहा है ये, सर फंक्शन बता रहा नाउन है, और आपने शुरुआत में कहा था फंक्शन के बेस पे। सो लेट्स डिसाइड एनी वर्ड। राम इज प्लेइंग, खूब अच्छे से राम खेल रहा है। ही इज स्टैंडिंग, चुप हो जाएंगे, चुप प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये भी है ना, तो ये रहा है, रही है काहे नहीं, रहा है रही है, और किसने बता दिया कि रहा है रही है से प्रेजेंट कंटिन्यूअस डिफाइन किया जाता है? नहीं, कहीं हम लोगों को जो किताबें मिली थी ना सर, वहां पे जो हमें वो डेफिनेशन जो दिए गए या जो फॉर्मूला सो कॉल्ड दिया गया, उसके बाद जो एग्जांपल्स दिए गए ना, वो उसमें फिट हो रहा था। सोचने के लिए मना किया गया, मत सोचना, सोचोगे तो गड़बड़ लगेगा, सोचना मत। और हमें करते करते उसको पढ़ाते 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 हमारे सोचने का तरीका डल कर दिया गया। अब मैं सोचवा रहा हूं तो थोड़ा सा प्रेशर पड़ रहा है, अनकंफर्टेबल लग रहा होगा, और ये लग रहा होगा कि ये जो 8-10 साल से पढ़े हैं हम लोग, सब बेकार था। मैं बेकार नहीं बोल रहा हूं, लेवल उसका नीचे था, उसमें कंसेप्ट नाम की कोई चीज नहीं थी, चीजें रेडीमेड दी गई थी। एंड दैट इज वाई सारा ग्रामर पढ़ने के बाद भी कॉमन एरर मिलता है हमारे सामने में ना, तो बेचारगी लगता है, खोजें कैसे, बनाएं कैसे, क्योंकि आपका ग्रामर काऊ और बुफेलो और मैंगो से नहीं चलता। आपका ग्रामर अब स्ट्रक्चर्स उसे कॉम्प्लिकेटेड होंगे, वहां पे नाउन इस शक्ल का दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यू आर बीइंग टेस्टेड एट द ग्रेजुएट लेवल, तुम्हारा टेस्ट हो रहा है ग्रेजुएट लेवल पे। क्या मैथ्स क्लास 3 वाले लेवल पे है? तो ग्रामर को क्लास में ग्रेजुएशन लेवल पे ले जा रहा हूं तो आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है? आपको तो मैथ्स को आपके मैथ्स वाले सर ले गए बहुत टफ वाले लेवल पे, तो आपको लगा कि हाँ ये सही है, ग्रामर में ले जा रहा हूं तो अनकंफर्टेबल लग रहा है। कहे किसी ने बताया ही नहीं कि ग्रामर ऐसे भी होता है, और शायद ऐसे ही होता है, किसी ने बताया ऐसे ही होता है। नाउन कैन नॉट बी डिसाइडेड अनलेस इट इज यूज्ड इन अ सेंटेंस। देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग जोक, द टीचर टोल्ड द बॉय टू यूज आई इन अ सेंटेंस। टीचर ने बच्चे को कहा कि भाई आप आई को सेंटेंस में इस्तेमाल करो। बच्चे ने शुरू किया आई इज, टीचर तुरंत उसे स्कूल में था क्योंकि ऐसा वाला तो स्कूल, टीचर उसके पास पहुंच गया और 2 थप्पड़ मारा उसको। बेवकूफ, आई के साथ इज नहीं लगता, एम इस्तेमाल किया जाता है। द बॉय सेड ओके सर, बिकॉज आप ज्ञानी हैं तो मैं अब सेंटेंस को पूरा कर दूं क्योंकि आपने कहा था कि इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करो। द 9th लेटर इन द अल्फाबेट, एम की इज, और ऊपर से एक और चीज आई, यहां पे नाउन है कि प्रोनाउन है? नाउन होगा, प्रोनाउन होगा तो एम लगेगा, पक्का याद रखना। और वो नाउन भी किस पर्सन का? 3rd पर्सन ना, सिंगुलर नंबर ना,
तो सर आई नाउन हो सकता है, बिंग भी थ्री नाउन हो सकता है, तो डेफिनेशन कैसे दिया जाए? क्वेश्चन ये उठता है ना, फंक्शन देखा जाए ना, रेडीमेड चीजें हैं ग्रामर में कि आप याद कर लो, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, दिस नाउन, दैट नाउन, कर लो, वो कहीं नहीं जा रहा है, वो सिर्फ भाषण देने के लिए है, यूज करने के लिए नहीं है। इसलिए आपसे अगर पूछा जाएगा ना कि नाउन कितने प्रकार का होता है, खूब अच्छे से बता दोगे, बस खाली ये पूछा जाएगा कि इस नाउन को कहां फिट करोगे, चुप। मटेरियल नाउन, गोल्ड, सिल्वर। सर लेट मी नो, किस स्टेज की चीजें हैं ये? स्कूल की ना। कलेक्टिव नाउन, ग्रुप, टीम, होगा बचपन में। अब आप उस स्टेज को क्रॉस करके आ चुके हो, अब आपको कोई भी चीज रेडीमेड नहीं है, सेंटेंस में यूज होगा तो उसको माना जाएगा, उसको डिसीजन किया जाएगा कि वो होता क्या है। यू नो व्हेन वी हैवन डन लास्ट वर्ड पार्सिंग, हम में से काफी सारे लोगों ने तो सुना ही नहीं होगा कि होता क्या है। नहीं हो और कॉमन एरर बने तो बस सिम्टम एक चीज है, फॉर्मूला बेस्ड कॉमन एरर बनेगा। फॉर्मूला बेस्ड समझ रहे हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये इंग्लिश नहीं है, ग्रामर नहीं है, फॉर्मूला है। वैसे ही जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, और क्लियर है कि अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर मुझे याद है तो आई शुड स्टार्ट टीचिंग मैथ्स। नहीं, 10 फॉर्मूला याद करके मैं मैथमेटिशियन बन सकता हूं, आप एग्री करोगे? सर आप एग्री करोगे कि 10 फॉर्मूला हमको याद है तो मैं मैथमेटिशियन हो गया? नहीं ना। तो तुमको नो सुनर हार्डली स्कार्सली याद है तो तुमको ग्रामर आ गया। ग्रामर एकदम अलग है, ग्रामर उन चीजों से एकदम अलग है। वो फॉर्मूला कोई भी याद कर सकता है, किसी अनपढ़ आदमी को भी दे दो ना तो वो फॉर्मूला रट लेगा कि नौ सुनर के साथ उधर दैन लगता है, हार्डली स्कार के साथ वैन लगता है, और अगर वैन के जगह पे दैन लगा हुआ तो काट के उसको चेंज कर देगा। इसका इसका ये मतलब नहीं है कि उसको ग्रामर आता है, वो फॉर्मूला उसका एक पार्ट होगा, बट पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच तो समझ में आए कि ये होता क्या है, फंक्शन तो पता चले। और जब तक आप फंक्शन को एस्टैब्लिश नहीं कर पाओगे तब तक आई डोंट थिंक कि ग्रामर पढ़ने के स्टार्ट इनिशियल स्टेज में भी आप हो। एंड जब सेंटेंस में उसको यूज किया जाएगा तब पता चलेगा कि वो एक्चुअली किस पार्ट ऑफ स्पीच में है, जब सेंटेंस में यूज होगा, अदरवाइज एकदम नहीं पता चलेगा। पार्सिंग मीन्स डिसीजन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ गिवन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर यूसेज इन द सेंटेंस। सेंटेंस में जिस तरह से वर्ड को यूज किया गया है उसके बेस पे उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच डिसाइड करना। और तुम्हारे कॉमन एरर में यही पूछता है, एंड सैडली एनफ हमारे 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 किताबों में पार्सिंग हैज नॉट बीन टॉट। मेरा काम यह नहीं है कि आपको बताना कि नाउन कितने प्रकार का होता है, टेंस कितने प्रकार का होता है, वो सब चीजें आपको पता हैं। मेरी ड्यूटी बहुत क्लियर है, टेंस क्या होता है, वॉइस क्या होता है मैं जिस दिन बता दूं, टाइम एंड टेंस का मीनिंग क्या है मैं आपको बता दूं, योर थिंग्स विल बी देयर, यू विल स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस, क्वेश्चंस बनने लगेगा जिस दिन तुमको यह पता चल जाए कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक बात बताओ सर, आपको वर्ब को भी टेंशन है क्या कि इज होगा कि आर होगा? यह भी लफड़ा है। लफड़ा तो सब्जेक्ट खोजने में है ना, और सब्जेक्ट खोजने में क्यों? इन साहब के चलते, कर्ता के चलते। जब सब्जेक्ट का मतलब कर्ता होता ही नहीं है और तुमने कर्ता देखा है, क्यों? क्योंकि काउ इट्स ग्रास, राम इट्स मैंगो, ऐसे ही बस। इसमें तुमको कर्ता दिखाई पड़ रहा है, दैट इज दिस द प्रॉब्लम। कर्ता अब ग्रेजुएशन लेवल पे आए, वो कर्ता मतलब होता क्या? और कर्ता नाम की कोई चीज नहीं होती है। आपका सब्जेक्ट होगा बट
being a doer of the work, being the doer of the work or being not the doer of the work, subject remains the subject. Doer ho, nahi ho, subject subject hi rehta hai. अब वो सब्जेक्ट होता कैसे है, क्या होता है, आपको और कुछ नहीं पढ़ना है सर, जानते हो, आपको अगर कॉमन एयर बनाने हैं, आपको अगर ग्रामर सीखना है, तो बस उन शब्दों को जिसको तुम सुने हो ना, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इनको खाली समझ लो कि ये होते क्या है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन एंड यूर कॉमन विल बी देयर एंड देयर इज नथिंग लाइक अ रेडीमेड डेफिनेशन. देयर इज नथिंग लाइक अ रेडीमेड डेफिनेशन ऑफ एनी वर्ड, एनी पार्ट ऑफ स्पीच. किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच का रेडीमेड डेफिनेशन नहीं है. अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द यूसेज, द डेफिनेशन इज टू बी फ्रेम्ड, इफ एट ऑल देयर इज अ नीड टू बी फ्रेम्ड. अगर जरूरत है बनाने का डेफिनेशन, तुमको डेफिनेशन बनाने की क्या जरूरत है, बनाने की जरूरत है तो बनाइए, सोचिए आपकी जरूरत अगर होगी तो, अदरवाइज आपका काम है हमसे क्वेश्चन बन जाए. दिस वॉज वॉट ग्रामर का शुरुआत ये था, दे शुरुआत. एंड परेशान मत होइएगा, क्योंकि सर देखिए क्या होता है ना कि बुरी चीज़ें जब छूटनी शुरू होती है तो बड़ी तकलीफ होती है, मन नहीं लगता है. देखो होता है वैसा, बस कंटिन्यू करेंगे हम लोग अगले क्लास से, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट खाली. थैंक यू.